हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एएलपी कैसे बन सकते हैं और एएलपी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर सुमित वर्मा, विकास कुमार रेगर और हमारे प्रिय मित्र। तो सब लोग अपना अपना पोस्ट बता देंगे, किस पोस्ट पे हैं। अभी मैं संबलपुर डिवीजन में एएलपी के तौर पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, सीनियर एएलपी आप लोग का नहीं है? मेरा सीनियर एएलपी आ चुका है। अच्छा, मैं सीनियर एएलपी का कार्यरत कर रहा हूँ। हाँ, आपका विष्णु? मुझे मेरा भी एएलपी है, सीनियर एएलपी आ गया है, लेकिन जो है आफ्टर 3 या 4 मंथ मेरे को सीनियर एएलपी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल रहेगा, एएलपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? विष्णु भैया आप बता दीजिए। एएलपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के साथ में डिप्लोमा, ITI या BTech, इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप जो है एएलपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, ITI के अलावा और क्या क्वालिफिकेशन हो जिससे हम लोग एएलपी में फॉर्म भर सकते हैं? एएलपी के लिए फॉर्म के लिए ITI के अलावा आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा वाला जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, और BTech जो करके भी आप एएलपी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन देखा गया की BSC वालों को भी जो PCM से थे उनको भी फॉर्म भराया गया था, उनको भी टेक्नीशियन में गए थे। ठीक। अच्छा, टेक्नीशियन के लिए BSC जो PCM से किए हैं, PCM ठीक, क्योंकि BSC मशीन से भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि आपने क्या कर रखा है, BTech किया है, ITI किया है या डिप्लोमा किया है? मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन किया। अच्छा, और सर आपने? मैंने BTech किया है इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, मैंने भी BTech किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा, BTech कौन कौन से ट्रेड वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं ALP के लिए? BTech में सारे एग्जाम वाले, इलेक्ट्रिकल वाला बैठ सकता है, मैकेनिकल वाला बैठ सकता है, कंप्यूटर साइंस वाला नहीं बैठ सकता, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैठ सकता है। अच्छा, ये सिविल इंजीनियरिंग जो कर रखे हैं ये लोग, सिविल का कोई वैल्यू नहीं है एएलपी के लिए, क्योंकि आप सर्वे के रूप में नहीं आते। हाँ, आप टेक्निकल पर्सन के लिए आते। ठीक, तो टेक्निकल पर्सन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कोई तीन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, और डिप्लोमा में भी सेम यही होना चाहिए? डिप्लोमा में भी सेम चीज चलती है, लेकिन डिप्लोमा में कुछ चीजें ऐड हो जाती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, पिछले 2018 की वैकेंसी में BTech वाले ALP में ज्यादा क्वालिफाई क्यों किए? इसका रीजन ये रहा है कि BTech वाले सर्वहारी होते हैं। सर्वहारी, सर्वहारी आप लोग समझते हैं? ये जो आपने वर्ड यूज किया है मेरे को सुन के हंसी आया, लेकिन अच्छा है। अभी तक जितने भी ये है रीजन क्या है, इनका बेस फंडामेंटल क्लियर होना। अच्छा, ये जैसे साइंस मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, BCM के स्टूडेंट होते हैं, तो वो चीज़ें इनके लाइफ साइंस से रिलेटेड करके ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसा डजेंट मैटर नहीं करता है इतना कि BTech वाला सिलेक्ट हो रहा है, हमारे कुछ साथी ITI वाले भी सिलेक्ट हुए हैं जो अभी ड्यूटी गए हुए हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने जो ट्रेनिंग किया होगा उस टाइम पे तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि 50, 60 या 100 का बैच आता है, उसमें कितने परसेंट ITI वाले थे, इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? हमारे बैच में 50 लड़के गए थे, 50 के अराउंड लड़के गए थे, जिनमें से 15 से 20 लड़के जो मान सकते हैं वो ITI वाले थे। अच्छा, और बाकी डिप्लोमा जो मिक्स था, इलेक्ट्रिकल मतलब BTech और डिप्लोमा वाले। ऐसा साथियों ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर में जो भी आप अलग जैसे किसी भी फील्ड में आपको सेम सिलेबस, सेम सब कुछ तैयारी करना पड़ता है। मतलब आपका कहना ये है कि आप ITI करके ITI करके या BTech करके कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समान हो जाता है। सब समान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक सवाल हमेशा पूछा जा रहा है कि 10th के बाद ITI करें या 12th के बाद ITI करें, इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? ITI आप किसी से भी कर सकते हो, 10th के बाद भी कर सकते हो, 10th के बाद भी ITI कर सकते हो, आप 12th के बाद भी ITI कर सकते हो। अच्छा, डजंट बेटर करता है कि आप 10th के बाद करो या 12th के बाद करो, ये दोनों परमिसिबल है। लेकिन अगर 12th वाला आपका साइंस में से PCM से एड होता है तो वो टेक्नीशियन के लिए भी जा सकता है और ITI वाला भी टेक्नीशियन के जा सकता है। अच्छा, जैसे ITI की आपका बता दूँ, फिटरिक जो फिटर ट्रेड से जो ITI टेक्नीशियन मिले उनकी कट ऑफ 45 के अराउंड गई थी, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। आपका स्कोर अच्छा है
स्कोर अच्छा हुआ आपका सीबीटी टू में, मतलब आप सीबीटी थ्री यानी साइको टेस्ट के लिए फेल हो गए। अच्छा। तो आपकी उम्मीदें जिंदा रहती है टेक्नीशियन के रूप के। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद आईटीआई करना ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, टेंथ के बाद। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एएलपी में कितने एग्जाम्स होते हैं? देखिए, एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन का भी एग्जाम होता है, दोनों की नोटिफिकेशन दोनों कम्बाइन आता है। एएलपी के लिए नोटिफिकेशन तीन होते हैं, सीबीटी वन, सीबीटी टू, सीबीटी थ्री। सीबीटी वन ओनली फॉर आपका रहता है क्वालिफाइड नेचर का, और सीबीटी टू जो रहता है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसका आपका जो मेरिट बनेगा उसके बेस पे मेरिट बनेगा। और सीबीटी थ्री होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट के लिए, आपको अलग से पहले होता था ऑफलाइन मोड में, आजकल होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको टाइमिंग दी जाती है। अच्छा, सीबीटी वन में कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने मतलब टाइमिंग रहता है? देखिए, सीबीटी वन में क्वेश्चन रहेंगे 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट के रहेंगे, ठीक है। उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, रीजनिंग पोर्शन आ जाएगा, करंट अफेयर्स आएगा, एप्टीट्यूड आ जाएगा, और मैथ के कुछ पोर्शन आ जाएंगे, और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही वो चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक। और सीबीटी टू में ये सेम नेचर का होता है, लेकिन उसमें पार्ट ए और पार्ट बी का जोड़ दिया जाता है। जो पार्ट बी होता है वो टेक्निकल क्वेश्चन होता है, रिलेटेड होता है। तो सर, मेरा सवाल ये है कि एएलपी के लिए तैयारी कैसे करें? एएलपी की तैयारी के लिए देखिए, अगर आप जो है सक्षम है तो बाहर कोचिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग का फीस नहीं अफोर्ड कर सकते तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जो है तैयारी कर सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का सर्च करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है तैयारी बाहर कोचिंग जाने के साथ साथ आपको अपना एफर्ट ज़्यादा देना होगा, जिससे आप जो है अच्छी प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। अच्छा, आपके हिसाब से बेस्ट क्या रहता है, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी? आफ्टर कोचिंग सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। अच्छा, ये बाहर जब कोचिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या चार्ज आता है, मतलब कितना खर्च हो जाता है? ऑफलाइन मोड में अगर तैयारी करें तो 4,000 से 5,000 रुपये का एक जो है कोचिंग का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद अपना रहना अलग खर्चा रहेगा। रहना तो आप जैसे रूम में रहेंगे वैसा खर्चा होगा। ठीक। और ऑनलाइन में आपको किसी भी एक चैनल से सब्सक्रिप्शन लेने से आपको पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। इसमें आप अगर जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, और आपका जितना स्कोर होगा होगा। आजकल क्योंकि सेंट्रलाइज वैकेंसी हो चुकी है तो इसमें अलग अलग होता है, अलग अलग डिवीजन से, अलग अलग जोन से, सॉरी डिवीजन नहीं, जोन से डाला जाता है। तो एक सेंट्रलाइज वैकेंसी होगा, आपको खुद उसका माइंड सेट करके आपको बनना है कहाँ कितनी वैकेंसी आ रही है, और इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। जोन सेलेक्टरी देख कर जहाँ जैसा नंबर हो उस हिसाब से। और पिछली बार देखा गया कि पिछली बार मुजफ्फरपुर बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, गोरखपुर जोन सभी का लगभग कट ऑफ उतना ज्यादा हाई सोचते थे, उतना हुआ नहीं। जैसे आप नॉर्मल रहता है, पटना के केस में जैसे उल्टा हुआ। हाँ, वहाँ का तो फर्स्ट सीबीटी में 30 गया था कट ऑफ, वहाँ 30 गया था, वो वेरी करके 44 तक रहा या 45 तक रहा। पटना तो रेलवे के लिए गढ़ कहा गया है, फिर इतना कम कैसे हो गया? साइको टेस्ट की तैयारी वजह से सुनते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, इस बार जो है एक दिन में ही सारा एग्जाम कराया जाएगा। पहले एग्जाम जो होते थे वो डे अलग अलग डेट पे होते थे, अलग अलग शिफ्ट में होते थे। अच्छा। जहाँ तक इस बार सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा एक दिन में ही सारा एग्जाम करा दिया जाएगा ऑल इंडिया। ऐसा होने से तो फिर नॉर्मलाइजेशन ये सिस्टम हट जाएगा। वो इस बार सुनने में आ रहा है कि नहीं किया जाएगा। 2024 में एएलपी का नोटिफिकेशन आने वाला है। साथियों, अगर आपको एएलपी बनने का आपका ड्रीम है, आपको अचीव करना है ये चीज़, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप जी जान से तैयारी लग जाएंगे। मित्रों, आपको 100% आप एफर्ट लगाएंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक। एएलपी बन के कैसा लगा और आप कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो लगभग 6-7 महीने की ही हुई थी, और उस दरमियान कुछ अच्छी किताबें आपको देखनी है, जैसे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस की आती है, एएलपी टेक्नीशियन की कंबाइंड में रहती है, और किरण पब्लिकेशंस की है। प्लेटफॉर्म का वो जो रुक्मणी पब्लिकेशन से आती है, पटना से आती है, बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन दिए थे। वो किताब बहुत अच्छी है, उस किताब को मैं प्रेफर करूंगा कि आप सभी लोग पढ़िए। वो अच्छी किताब है, उसके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छा है, उन लोगों ने सिलेक्ट करके अच्छी पुस्तक बनाई हुई है। किरण पब्लिक सॉरी रुक्मणी पब्लिकेशन से ही मैंने भी पढ़ाई किया है और जहाँ तक मेरे को पता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसके से नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ ज्यादा रुक्मणी से आए थे। उसी का साइको टेस्ट में भी उसकी किताब आती है, किरण पब्लिकेशन की भी साइको टेस्ट की किताब आती है। और मतलब साइको टेस्ट में कह सकते हैं किरण में बहुत हल्की मतलब 99.9% रहता है त्रुटि। साइको टेस्ट के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन उसी को प्रिपेयर करना चाहूँगा क्योंकि आपका टाइम उसमें 1 सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का दिया जाता है आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करने के लिए, और जो पेज आपने फोल्ड कर लिया वो आपका पेज दोबारा नहीं खुलेगा। ये चीज़ है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन हमने तैयारी तो ऑफलाइन में की थी, फिर डायरेक्ट पेपर जाके ऑनलाइन में दिया था। तो मेरा टी स्कोर उसको कहते हैं जो 42 से ऊपर वो टी स्कोर बनता है, वो ऐसा नहीं होता कि कोई कट ऑफ आती है, वो तो पूरा बैच का जनरलाइज देखा जाता है उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है, वो 42 से ऊपर होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन करके भी। एक बात मैं कहना चाहूंगा सभी एस्पिरेंट से, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो 2018 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चनों को एक बार नोट करना और उनको एक बार लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, वही क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे। हाँ, जीके जीएस का तो क्वेश्चन चेंज होना नहीं है। मेरा कहना ये है कि सबसे ज्यादा लड़के CBT 2 के पार्ट बी में जो टेक्निकल होता है उसमें फेल होते हैं। हम पार्ट वन जो है पार्ट ए जिसे कहते हैं सीबीटी का, सीबीटी टू का, वो तो आराम से पास कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है, साइंस है, जीके नहीं आता उसमें, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आता उसमें, साइंस आता है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये सब तो क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे टेक्निकल है, जैसे लोग टेक्निकल छोड़ के आते हैं और सरकारी में तैयारी करते हैं तो उनका टेक्निकल का पिछड़ता चला जाता है, टेक्निकल फेल हो सकता है जो जिस फील्ड से वो कर रखा है। हाँ, तो आपका जो फील्ड कर रखी है तो इलेक्ट्रिशियन वाला, आपने डीजल मैकेनिक से कर रखी है तो डीजल मैकेनिक वाला आपको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट चूज करने का मौका दिया, और वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ 33% चाहिए आपको, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद थे, हमारे टाइम पे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद था उसको, तो बस वो क्वेश्चन मान लीजिए 15 क्वेश्चन भी अगर सही हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है 2024 में 100%। अच्छा विकास भैया, आपने तैयारी कैसे किया था? देखिए बेसिकली मैं सीज बात बताऊँ तो मैं टेक्निकल मतलब सीज की तैयारी नहीं कर रहा था, जब ये वैकेंसी आया था तब इसकी तरफ मूव ऑन हुआ था और मेरा बेस क्लियर था, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और मैंने मेरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मैंने CBT 1 दिया आपके यहाँ से, CBT 1 दिया मैंने पटियाला से, पंजाब से, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, पटियाला पंजाब से दिया, मेरा भी एग्जाम बठिंडा हुआ था, ठीक है। CBT 2 मैंने दिया था भुवनेश्वर में दिया था, चंद्रशेखरपुर एक जगह है वहाँ दिया था, और CBT 3 मैं गया था ग्रेटर नोएडा, वहाँ गया था। मेरी कहानी मैंने मेरे को 3 सर में खुद 4 सर घूम चुका, मतलब रेलवे में आने से पहले ही आप पूरा इंडिया घूम गए। हाँ, रेलवे तो सर इसके लिए आप लोग, आपको तो पास मिला होगा एग्जाम देने के लिए। हाँ, एग्जाम देने के लिए अगर आप कैटेगरी से हैं, SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पास मिलता है। 10 दिन पहले ही वो ई टिकट जारी कर देंगे और उसको आप रिजर्वेशन कार्ड के साथ वो पास आता है, रिजर्वेशन काउंटर में आप जाके कोई चार्ज नहीं लगता। सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जब तैयारी किया जाए ALP के लिए तो कहाँ से शुरू किया जाए और किस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मैथ रीजनिंग आना चाहिए कम से कम। और जिनको मैथ रीजनिंग नहीं आता है वो कहाँ से कोचिंग कर सकते हैं जो अच्छा? जैसे कि विष्णु भैया ने बताया था कि ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, आजकल ऑनलाइन के बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी से भी एक बैच लेकर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद अगर आप पहले से कोचिंग कर चुके हैं तो बस अपना रिवीजन कीजिए, CBT 1 क्लियर कीजिए। पहले सुमित भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मतलब कहाँ से शुरुआत किए थे ALP के लिए और कैसे आप अचीव किए हैं? देखिए मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैंने कानपुर में ही रहकर तैयारी की थी और पहले से मैं स्टेट लेवल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मैथ रीजनिंग नॉर्मल था, जब नोटिफिकेशन आया तभी तैयारी करना शुरू की। तो आप ये कह सकते हैं स्टेट लेवल को छोड़ के आपने रेलवे ज्वाइन किया?
हाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी था, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत थी और टेक्निकल था तो इसलिए हमारे विष्णु भैया का कहना है कि मिल नहीं रहा था, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो बात रही होगी इनमें जो आज मैंने छोड़ दिया क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे कि मतलब कांस्टेबल में जॉब करे, हालांकि जॉब वो भी अच्छा है लेकिन वो भी थोड़ा कठिन जॉब प्रोफाइल है छुट्टी के लिए। आजकल तो टाइम है ना, जिस तरीके जैसा मिल जाता है पहले आप उसमें चले जाइए, बाकी आपको आपको एक बेस मिलेगा, आपके पास खुद की अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बाकी की जो जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।